हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इस VFD के ऊपर, जिसका मेक है एलन ब्रैडली और इसका मॉडल नंबर है पावर फ्लैक्स 40। तो पावर फ्लैक्स 40 एलन ब्रैडली की VFD है मेरे पास। तो आज हमारे इसमें देखेंगे कि इसके पैरामीटर को लॉक कैसे करें, लॉक और अनलॉक इसके पैरामीटर को कैसे करें। तो आज का टॉपिक सिर्फ हमारा इतना ही है। छोटी सी वीडियो में आपको सिर्फ इतना बताऊंगा इसके पैरामीटर को लॉक और अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पैरामीटर चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट का ये वाला बटन दबाऊँगा इसका, इसमें एस्केप का ये देखिए, सेलेक्ट का अप डाउन एंटर, स्टॉप की, स्टार्ट की और पोटेंशियोमीटर एंटर, ये की पैड है इसके। सेलेक्ट का दबाऊँगा तो P041 आ गया है देखिए। तो P041 तो हमारा P वाला ब्लिंक कर रहा है, तो इसको एंटर कर देंगे तो 41 पे आ गया। इसको डाउन की करके कोई भी पैरामीटर देख लेंगे, चाहे 38 ही देख लो। चलिए मान लीजिए 38 हमारा स्पीड रेफरेंस का है वैसे, तो 0 पड़ा है। मैं इसको 1 करके देखता हूँ, तो 1 करा ऑफ की से और एंटर किया, तो देखिए हो गया है, यानी कि इसमें अभी कोई लॉक नहीं है, ये अनलॉक है अभी। तो इसको दोबारा मैं 0 कर देता हूँ, एंटर किए, डाउन की 0 कर दिया, फिर एंटर की, तो ये 0 हो गया है। तो इसका मतलब अभी पैरामीटर हमारे ये लॉक नहीं है। तो अभी हमें इसको लॉक करना है, तो कैसे करेंगे? तो सेलेक्ट की ये वाला की दोबारा दबाएंगे, तो ये अभी पी ग्रुप में है फ्रेंड्स, इसको ए ग्रुप में लेके जाएंगे। अब की से अब की दबा दिया मैंने, तो ए आ गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। ए के बाद एंटर करेंगे तो इधर आ जाएगा ये देखिए 69 पैरामीटर है। तो हम जाएंगे पैरामीटर नंबर 101 में अब की से, तो मैंने अब की दबाई है और मैं 101 पे लेके जाता हूँ इसको। तो ये देखिए 101, इस पर मैं एंटर करूँगा तो अभी 0 पड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 0 पड़ा है, 0 का मतलब अनलॉक, ये भी पैरामीटर जो है अनलॉक है इसके। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो ये पैरामीटर हमारे लॉक हो जाएंगे, चेंज नहीं होंगे। अगर हमें कहीं डाउट लगता है कि हमारे पैरामीटर को कोई छेड़छाड़ कर रहा है या चेंज कर रहा है, तो हम इसको लॉक कर सकते हैं। तो इसको 1 करने के लिए अप की दबाऊँगा, मैं एक बार दबाऊँगा, ये देखिए तो प्रोग्राम में चले गए, प्रोग्राम की LED चलेगी और यहाँ 1 हो गया। इसको मैं एंटर करने जा रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने एंटर किया, इसको एक को एंटर कर दिया है। तो एस्केप से बाहर आएंगे, देखिए एक बार और करेंगे तो ये ग्रुप में आ जाएंगे, ये ग्रुप में आ गए हैं। तो अब दोबारा पी ग्रुप में जाते हैं, अब की सही एक बार और, ये देखिए P38, तो एंटर करता हूँ 38 की तरफ, दोबारा फिर एंटर करता हूँ तो ये 0 पड़ा है। इसको चेंज करके देखते हैं, तो देखिए मैं दोबारा एंटर कर रहा हूँ या आपकी डाउन की कुछ भी दबा रहा हूँ, तो इससे कोई चेंज नहीं हो रहा, देखिए फ्रेंड्स। तो ये हमारे पैरामीटर जो है लॉक हो चुके हैं अभी। तो जो कि हमारा आज का वीडियो का टॉपिक यही था कि लॉक अनलॉक कैसे करें। तो इस तरीके से हम इसको लॉक कर सकते हैं पैरामीटर्स को। ये देखिए मैं एंटर की को पुश भी कर रहा हूँ, रेगुलर दबा के भी रख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ आपके नाम, तो हमारे पैरामीटर चेंज नहीं हो पा रहे हैं। तो दोबारा देखिए मैं उसको दोबारा 0 कर दूंगा उस पैरामीटर को, एस्केप दबा रहा हूँ, तो पहले ग्रुप में जाएंगे, एक बार और एस्केप दबाऊँगा, ये पी पे, पी को ए करेंगे, ये ए आ गया, ए 101 आ गया, एंटर करूँगा 101 पे ब्लिंक करने लगा है, दोबारा एंटर करूँगा तो ये देखिए 1 पड़ा है, 1 का मतलब लॉक। और मैं 0 करने जा रहा हूँ इसको, एक बार दबाऊँगा प्रोग्राम में चले गए, दोबारा दबाऊँगा तो 0 हो गया देखिए, और एंटर करूँगा, एंटर हो गया है, और एस्केप से बाहर आऊँगा, देखिए एक बार ग्रुप में आऊँगा, एक बार और दबा के एस्केप, देखिए ए आ गया, पी ग्रुप में जाऊँगा, पी ग्रुप में चले गए तो एंटर करूँगा, पैरामीटर नंबर 38 में चले गए, 38 का एंटर करूँगा 0। अब देखते हैं चेंज होता नहीं, मैं इसको एंटर करूँगा तो देखिए मैंने एंटर करा, देखिए ब्लिंक करने लगा है। इसको 1 करूँगा और ये सेव कर दूँगा तो होने लगा, यानी कि चेंज। तो ये था हमारा लॉक और अनलॉक का फ्रेंड्स। तो पैरामीटर नंबर A101 में 0 कर देंगे तो अनलॉक और 1 कर देंगे तो लॉक। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।